पीवीआर स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज आपको टॉपिक होगा ब्लड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। मैंने ब्लड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट वीडियो में दी थी, ब्लड ग्रुप के बारे में सेकंड वीडियो में बताई थी। अब मैं आपको थर्ड वीडियो में ब्लड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SSC से सारे रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं आप सारे उसमें पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ आपके 9th, 10th, 11th, 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं ब्लड की। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिख रहा है गाइस, दिया है लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल गाइस 120 दिन का, मतलब 120 डेज का होता है। सेकंड क्वेश्चन है, ब्लड का रेड कलर किसके कारण होता है? तो ब्लड का रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है, मतलब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है जिसके कारण से हमारा ब्लड ब्लू कलर रेड कलर का होता है। दूसरी चीज गाइस, ब्लड का नीला रंग किसके कारण होता है? ब्लड का नीला रंग हीमोसाइनिन के कारण होता है जो घोंगा और सीपिया में सीपी जिसको बोलते हैं घोंगा और सीपी में पाया जाता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन ना पाकर हीमोसाइनिन की मात्रा पाई जाती है, इस वजह से इसका ब्लड का रंग नीला होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे ब्लड हमारे शरीर में कितना होता है? हमारे शरीर में ब्लड लगभग 5 से 6 लीटर पाया जाता है। कितना? 5 से 6 लीटर। लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी हैं, कुछ मछलियां ऐसे भी हैं जिनमें काफी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे बात करते हैं सार्क मछली में, तो सार्क मछली में 190 से गाइस 220 लीटर ब्लड पाया जाता है, और हाथी में 45 से 90 लीटर ब्लड पाया जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल है। WBC का पूरा नाम क्या है? WBC का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल है। क्या है गाइस? व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड की खोज किसने की थी? ब्लड की खोज गाइस कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। कार्ल एंड स्टीनर ने ब्लड की खोज की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड की ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है गाइस, लैंड स्टीनर ने की थी, बट कॉमन ब्लड की खोज किसी और ने की थी, उसको मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सेकंड वीडियो में आपको बताया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ब्लड रुधिर का बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड मतलब कि लाल रुधिर का ब्लड बैंक या कब्रिस्तान किसे कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से पूछते हैं गाइस, या ये पूछते हैं कि रुधिर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं या फिर रुधिर का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, जिसका आंसर आप दोगे प्लाज्मा। क्या दोगे गाइस? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? इसका क्वेश्चन का आंसर आप गाइस दोगे अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के हमें दे सकते हैं। ओके गाइस, तो आपको मैंने इस तरीके से 10 क्वेश्चन बताया जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। एंड आपको पता होगा कि आपको सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड या पढ़ने के लिए ही ब्लड के बारे में जानना जरूरी नहीं है, आपको अपनी बॉडी के लिए ब्लड के बारे में जानना बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि गाइस, ब्लड कैसा होता है, क्या यूज होता है, क्या यूज नहीं होता है, किसकी मात्रा अधिक होती है, किसकी मात्रा अधिक नहीं होती, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं ब्लड पे ही बनाऊंगी, लेकिन ब्लड ए का यूज क्या होता है, ब्लड बी का यूज क्या होता है, कौन सा ग्रुप सबसे अच्छा होता है, कौन सा ग्रुप कैसा होता है, और इससे आपको क्या प्रॉफिट होता है, क्या खाने से हमें कौन सा चीजें मिलती है, इस टॉपिक पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी। ओके गाइस, तो आज की मेरी वीडियो यहीं पे फिनिश हो रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूल।